आपके स्कूल में अतिथि शिक्षक आते होंगे पढ़ाने, कभी उनसे पूछना कि तुमको जो तनख्वाह मिलती है वो क्या हर महीने मिलती है? वो आप लोगों से बताएंगे कि हर महीने नहीं मिलती, 6 महीने में, कभी 4 महीने में ऐसे हमको तनख्वाह मिलती है। तो मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप खुद सोचो कि ये अतिथि शिक्षक तो हर दिन स्कूल आते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो इतने काम हुए हैं कि मैं सब जगह के काम में तो आगे आ ही नहीं सकती, वहां तो हम कार्यक्रम कर ही नहीं सकते। और यही कांग्रेस के लोगों की आदत है, वो वही करते हैं, बोलते हैं जो वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उसको आप कितना भी दबाव डालोगे तो मुंह से चू नहीं निकलेगा। आप देख लेना, जैसे डाली ने कहा ना कि मैं उतना ही बोला है जो मैं कर सकती, जो मेरे अधिकार में नहीं उसकी बात मैं क्या करूं। तो ये कांग्रेस की आदत है। और आप सबको बता दूं कि अभी सब लोग जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो बड़े कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिंतित भी रहते हैं। अब उनकी चिंता का कारण भी जायज है, क्योंकि शिवराज मामा ने सबके खाते में 1000-1000 रुपए डालना शुरू कर दिया है, तो वो सब चिंता में आ गए हैं। सही है कि नहीं? अरे इधर बैठे जितने कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं ना आपको, सबको कहीं ना कहीं धक लगी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी महिलाएं गड़बड़ कर देगी 1000 रुपए के चक्कर में। आपको 1250 मिल रहे हैं, कितने लोगों के मिल रहे हैं, हाथ खड़ा करना। अरे मर गए, बड़ी संख्या है। डॉक्टर साहब कैसे संभालोगे, बहुत बड़ी संख्या है इधर। तो इस बार तो 4 तारीख को ही आ गए पैसे खाते में, क्यों? चलो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करती हूँ, ये पैसे आ गए रखो इस पैसे को, क्योंकि ये तो आप ही का पैसा है। सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो आप लोग टैक्स देते हैं, ये सब सरकार के पास जो पैसा आता है ये वही पैसा है, और वही पैसा सरकार आपको दे रही है। कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छी बात है। और ये योजना तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी आएंगे तो मामा तो 1250 डलवा रहे, कमलनाथ जी 1500 डलवाएंगे। बंद तो हम इस योजना को होने नहीं देंगे, क्योंकि ये योजना बहुत अच्छी है। लेकिन मामा से हमको शिकायत केवल इतनी है कि वो लाडली बहनाओं को हर महीने पैसा देते हैं। 10 तारीख बोला था तो 10 तारीख का 11 तारीख नहीं हुआ, 10 मतलब 10। लेकिन वही आप देखो कि जो हमारे गांव में रसोईया खाना बनाती है, आपके गांव में भी होंगी, है रसोईया, उनको कितना पैसा मिलता है? 2000 रुपए, 2000 ही मिलता है ना, ज्यादा तो नहीं मिलता। कितना फर्क है 1200 में और 2000 में? लेकिन उन रसोइयों से अभी आप पूछना कि आपको कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आपके स्कूल में अतिथि शिक्षक आते होंगे पढ़ाने, कभी उनसे पूछना कि तुमको जो तनख्वाह मिलती है वो क्या हर महीने मिलती है? वो आप लोगों से बताएंगे कि हर महीने नहीं मिलती, 6 महीने में, कभी 4 महीने में ऐसे हमको तनख्वाह मिलती है। तो मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप खुद सोचो कि ये अतिथि शिक्षक तो हर दिन स्कूल आते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, रसोइयां भी खाना बनाती मेहनत करती है, और जो स्व सहायता समूह आपके स्कूलों में मध्याह्न भोजन का काम करते हैं उनके भी खाते में हर महीने पैसे नहीं आते, क्योंकि मेरे पास आती है महिलाएं शिकायत करने। मैं भाई सीधी सी बात है, अपने विधायक के पास आते हैं कि हमको इतने महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हमको इतने महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी उनसे संपर्क करना, क्योंकि आप गुलाबी साड़ी वाले दिख रहे हैं, मतलब समूह तो आपके गाँव में होगा ही होगा, सही है कि नहीं? तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ मेहनत करने वालों को पैसा सरकार हर महीने नहीं दे पाती, और लाडली बहनों को ऐसी क्या बात है कि हर महीने पैसे आ जाते बिना काम करे। काम करने वालों को पैसा नहीं मिल रहा है भाई, मामा के राज में, पर बिना काम करने वालों को एक फॉर्म भरने से पैसा मिल गया। तो इतना तो महिलाएं भी समझती है कि सब चुनाव का खेल है, अगर अभी चुनाव नहीं होते तो मामा को याद भी नहीं आना था, सही है कि नहीं?